हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ फटाफट से बन जाने वाली बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करेंगे, जिसे आप हल्की फुल्की भूख में या सुबह ब्रेकफास्ट, शाम की चाय, बच्चों के लंच बॉक्स में बना सकते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत कम समय में बनकर ये तैयार हो जाती है। ऊपर से बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी है और अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट। चलिए तो फटाफट से इस मज़ेदार से नाश्ते को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसे बनाएंगे हम पोहे से। पोहा, चिड़वा, चूरा बहुत नामों से इसे जाना जाता है। ब्रेकफास्ट में इसे हम यूज़ करते हैं। बहुत ही हल्का फुल्का होता है ये। तो चलिए सबसे पहले इसको हम धुल लेते हैं। तो 2 से 3 बार आप इसे अच्छे से धुल लीजिए, जिससे इसमें जितनी भी डस्ट होगी वो निकल जाएगी। तो ये देखिए, पोहे को हमने धुल लिया है, पानी इसका अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो अब इसे एक स्ट्रेनर में हम निकाल देंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो कुछ सेकेंड के लिए आप इसे स्ट्रेनर में इसी तरह से छोड़ दीजिए और उसके बाद एक बाउल में इसको हम पलट लेंगे और इसे ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो पोहा एक्स्ट्रा पानी सोख लेगा और अच्छे से फूल भी जाएगा। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का कच्चा आलू हमने लिया है, इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। तो इसे हम पानी में ही ग्रेट कर रहे हैं, जिससे ये काला ना पड़े। पहले से आप इसे ग्रेट करके मत रखिएगा, जब नाश्ता बनाएं तभी आप इसे ग्रेट करिएगा। तो ये देखिए, इसी तरह से पूरे आलू को हमने ग्रेट कर लिया है और आलू में बहुत सारा स्टार्च होता है, सो इसे 2 से 3 बार आप ज़रूर धुलिएगा। तो इस आलू को भी स्ट्रेनर पर हम निकाल देते हैं, जिससे इसका भी एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो इसे इसी तरह से हम छोड़ देते हैं और पोहे को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, पोहे ने सारा पानी सोख कर लिया है, बहुत अच्छे से ये फूल गया है और काफ़ी ड्राई सा भी हो गया है। तो बस हाथों से इसे मसलते हुए इसका एक डो बना लेंगे, तो बहुत ईजिली ये मैश हो जाएगा। तो ये लीजिए, पोहा भी अच्छे से मैश हो चुका है। तो चलिए अब नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो मैश किए हुए पोहे को एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं और इसी में अब हम ग्रेट किया हुआ आलू भी डाल लेते हैं। तो आलू का भी एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है, तो अब इसमें और चीज़ें भी डाल देते हैं। तो यहाँ 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने ग्रेट कर लिया है, 2 चम्मच शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई और 1 छोटी गाजर है, इसे हमने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ प्याज भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और बाइंडिंग के लिए इसमें 3 चम्मच हम बेसन डाल देते हैं। बेसन से नाश्ते में टेस्ट भी बढ़िया आएगा और क्रिस्पी भी बनेगा। तो 1 चम्मच यहाँ पर हमने जीरा डाल दिया है, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा कम खाते हो तो मिर्च कम रखिएगा। कलर के लिए यहाँ पर 1/4 चम्मच हमने हल्दी डाल दी है, 1/2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, जिससे जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनेगा। 1 छोटी चम्मच सफ़ेद वाला तिल डाल देते हैं और साथ में डालेंगे नमक। तो नमक आप स्वाद के अनुसार डालिएगा। तो सभी चीज़ें इसमें हमने डाल दी हैं, अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो पानी की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आलू और पोहे के मॉइस्चर से ही सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो ये देखिए, इसका एक डोसा बनकर तैयार हो गया है। तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि बाइंड हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए, अच्छे से इसके कटलेट बन रहे हैं, ये देखिए आपस में ये जुड़ रहा है। तो चलिए अब फटाफट से इसका हम नाश्ता बना लेते हैं। तो हाथों पर हल्का सा तेल लगा लेंगे, जिससे ये डो हाथों में चिपकेगा नहीं। अब थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, हथेलियों से इसे चिकना करते हुए गोल शेप देंगे और इसे हल्का सा फ्रेश देते हुए कटलेट बना लेंगे। तो इसको ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, पतले पतले ही इसके कटलेट बनाएंगे, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए, तो एक कटलेट बनकर हमारा तैयार हो गया और ये देखिए, इसको हम आपको दिखा रहे हैं, पतले ही इसे हमने बनाए हैं। तो इसी तरह से सारे कटलेट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। इन कटलेट को बनाने के लिए आपको पहले से कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, कच्चे आलू और पोहे से ही ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, दूसरा कटलेट भी बनकर तैयार हो गया। तो इसी तरह से सारे कटलेट हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैन में तेल गरम होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था। गरम तेल में इनको हम एक एक करके डाल देंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे।
और जब एक साइड से हल्का सा इन पर गोल्डन कलर आ जाएगा तब इन्हें पलट देंगे। तो ये देखिए हल्का हल्का सा इन पर गोल्डन कलर आ चुका है, तो इनको हम पलट देते हैं और मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें उलट पलट करते हुए हम फ्राई करेंगे, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से अच्छे से सिक भी जाएंगे। तो ये देखिए कटलेट पर बहुत बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है, तो बस इनको हम निकाल लेंगे और बाकी के कटलेट को भी बिल्कुल इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। देखने में ही ये कटलेट बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं। आप इसे टमाटो सॉस या हरी धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं, खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आज इन्हें हमने हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। तो सिर्फ 10 मिनट में ये मज़ेदार सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया और ये कितने क्रिस्पी बने हैं इनकी आवाज़ भी हम आपको सुनाते हैं। ये देखिए सुनी आपने आवाज़, तोड़ कर भी हम आपको दिखाते हैं। ऊपर से ये जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही ज़्यादा ये सॉफ्ट हैं। तो देखा आपने, बिना किसी मेहनत के सिर्फ 10 मिनट में ये मज़ेदार सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी तो ज़रूर पसंद आई होगी। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये नाश्ते की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही नई मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।